एक बार सबको एक बार ना सब लोग उधर मुंह करके खड़े हो जाएं। पूरे पूरे एक जगह चलो एक बार सबको एक बार ना सब लोग उधर मुंह करके खड़े हो जाएं। पूरे पूरे एक जगह चलो। आज अमृत धारा का आपने एक प्याऊ पक्की प्याऊ जिसे कहते हैं उसका लोकार्पण किया है। अमृत धारा क्या है और मारवाड़ी युवा मंच क्या करता है? अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच जिसकी पूरी देश में 650 से अधिक शाखाएं हैं और 20 राज्यों में एक कार्यकर्ताओं का नेटवर्किंग मौजूद है और बहुत तेजी के साथ में अंतर्राष्ट्रीयकरण की ओर भी बढ़ रहा है। इसका प्रमुख राष्ट्रीय प्रकल्प अमृत धारा। अमृत धारा जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, नाम से भी इसकी सार्थकता हमें मिलती है। एक तो प्याऊ का सिस्टम मारवाड़ी समाज के DNA में आज में नहीं हजारों साल से है और जन साधारण के लिए जन कल्याण के लिए जो प्याऊ है वो मारवाड़ी समाज द्वारा सैकड़ों हजारों साल से लगाई जा रही है। उसी का अनुसरण करते हुए मारवाड़ी युवा मंच ने अपने एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रकल्प के रूप में इसका रखा है, जिसके अंतर्गत जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर एक ठंडे पानी की मशीन विद RO सिस्टम या वाटर प्योरीफायर, उसके अलावा पानी और बिजली के पक्के कनेक्शन के साथ में उसको किसी जगह स्थापित किया जाता है और उसको लगातार संचालित भी किया जाता है, उसका रखरखाव किया जाता है, मेंटेनेंस के साथ में उसको हर साल इसके अंदर अपग्रेडेशन की आवश्यकता होती है तो वो भी किया जाता है। पूरे देश में इस समय लगभग 4,000 पक्की अमृत धारा और लगभग 16,000 कच्ची अमृत धारा जो कि 3 महीने के लिए लगाई जाती है, तो करीब 20,000 अमृत धारा मारवाड़ी मंच संचालित कर रहा है। लेकिन इस फिल्म में दोहराया कि कोई इंसान अगर जड़ से निकल कर के उसने इतना बड़ा पेड़ खड़ा किया है तो ये सारा जो सब कुछ है सबके सामने है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और राष्ट्रीय सम्मान मिलना, डेडिकेशन इनका इतना है और उसको ये डिजर्व करते हैं, इसलिए इनको ये सम्मान मिला और ये हम सबके लिए खुशी की और गर्व की दोनों बातें हैं। तो हम लोगों का भी एक दायित्व है कि हम इनका सम्मान करें। जब राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा सम्मान मिला तो हमारा भी दायित्व है। निबंधन देखी नहीं है लेकिन अध्यक्ष से मैं आग्रह करूंगा कि विद्यार्थी को सम्मान करने के लिए एक बार खड़े हों और माला पहना के आपका स्वागत करें। आप सब लोगों का सम्मान मैं करना चाह रहा हूँ सबसे पहले।